हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़, एंड हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हम इन तीनों के बीच में आज डिफरेंस करने वाले हैं। सो सबसे पहला डिफरेंस क्या है? कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब इस चीज़ का स्टार्ट होना, कब ये चीज़ें जो है बिगिन होती हैं, स्टार्ट होती हैं। सो बिजनेस कब स्टार्ट कर सकते हैं हम? व्हेन एंटरप्रेन्योर डिसाइड्स तो स्टार्ट इट। जब कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी एंटरप्रेन्योर चाहता है कि हाँ भाई उसे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अभी आपका मन है आपको एक दुकान खोलनी है, जब आपका मन करेगा आप तभी जाके खोल लो। ये थोड़ा ना है आप पहले जाके किसी से परमिशन लोगे गवर्नमेंट से कि हाँ दुकान खोल लो, ऐसा नहीं होता। प्रोफेशन, अभी प्रोफेशन कब स्टार्ट कर सकते हैं? जब आपका जो डिग्री कोर्स है आप वो कंप्लीट कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जैसे डॉक्टर बनना है, फिजिशियन बनना है, तो MBBS पूरा करो, ठीक है, पूरा डिग्री करो और फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है सर्टिफिकेट लो, फिर उसके बाद जो है आप किसी प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे CA होता है ना, उसके लिए आपको वहाँ रजिस्टर्ड कराना पड़ता है ICAI। उसमें क्या होता है आपका कि जब आपके सारे एग्ज़ाम्स पास हो जाएंगे ना, तब जाके वो आपको सर्टिफिकेट देंगे और उसके बाद जो अपना काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड वन हो गया एम्प्लॉयमेंट। अभी एम्प्लॉयमेंट कब हम स्टार्ट कर सकते हैं काम अपना, इसमें आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा और आप साइन कर दोगे आपका सर्विस एग्रीमेंट कि हाँ भाई जो जो चीज़ें आप चाहते हो, जिस तरह से चाहते हो, मैं सारे एग्रीमेंट पे साइन करता हूँ, मैं ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ, तभी आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी। राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट है आपका क्वालिफिकेशन। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? नो मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब जैसे कि आपको कोई शॉप खोलनी है, कोई शोरूम खोलना है, तो ये तो ना आपको BCom की डिग्री चाहिए, PhD चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी जाके बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर प्रोफेशन स्टार्ट करना है तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर करना है, MBBS बनना जो है उसके लिए डिग्री चाहिए है, CA अगर आपको बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो पूरा CA का जो कोर्स है, सारे एग्जाम्स पास करे होने चाहिए, और साथ में ट्रेनिंग जो कराते हैं, आपकी प्रैक्टिस जो कराते हैं, वो भी ज़रूरी है प्रोफेशन के केस में। बट अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो क्वालिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ जॉब। आपकी जॉब का क्या नेचर है, जैसे कि आपकी जॉब कुछ टाइपिंग से रिलेटेड है तो आपको वो टाइपिंग आनी चाहिए, बस दैट्स इट। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें क्या है, आपका जो जॉब का नेचर है, जिस टाइप की जॉब है, बस उसमें आपको वो स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर, दैट्स इट। इन्वेस्टमेंट की बात आती है, कितना पैसा लगता है बिजनेस को स्टार्ट करने में। कैपिटल रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू स्केल ऑफ बिजनेस। अभी आपका बहुत बड़ा शोरूम खोलने वाला है, मॉल खोलने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, कोई छोटी सी आप दुकान खोलने वाले हैं जिसपे आप छोटे मोटे जो है फर्नीचर या कुछ बेचना चाहते हैं, तो थोड़ा पैसा लगेगा। तो स्केल ऑफ बिजनेस पर डिपेंड है कि कितना बड़ा आप बिजनेस चाहते हैं, उतनी ज़्यादा कैपिटल आपको लगेगी। जितना छोटा अगर आप बिजनेस चाहते हैं तो थोड़ी सी कैपिटल लगेगी। प्रोफेशन में कितनी कैपिटल लगती है? लिमिटेड, थोड़ी बहुत कैपिटल लगती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई कैपिटल नहीं लगती है, ठीक है, जाके जॉब के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, दैट्स इट। आगे बात आती है रिस्क की। तो बिजनेस में हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बहुत ज़्यादा रिस्क है बिजनेस में, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। रिस्क कैसे है, जैसे कि क्या पता कल को आपका कोई कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाए। अब जैसे कि मैं बिजनेस पढ़ा रही हूँ, अपना एक बिजनेस कर रही हूँ, आप लोगों को बिजनेस पढ़ा रही हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है। कल को ऐसा हो या होगा क्या, अभी भी है ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो मुझसे ज़्यादा बेटर हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, और मेरे ना चले उस रीज़न से, तो ये मेरे लिए एक रिस्क है, अनसर्टेनिटी है। प्रोफेशन में कम रिस्क होता है, इतना रिस्क नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आता है, जैसे कि थोड़ा बहुत रिस्क भी कैसे होता है। फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्टर हैं, आपका एक क्लिनिक है, आपने एक शॉप जो है क्लिनिक खोला, और बाय चांस क्या होता है आपके एरिया में एक और डॉक्टर आया, उसने भी क्लिनिक खोल लिया, तो क्या होगा आपके पेशेंट्स जो हैं वो थोड़े डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, थोड़े आपके पास थोड़े उसके पास, है ना। तो थोड़ा बहुत रिस्क इसमें इन्वॉल्व होता है, बट एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता। आप अपनी जॉब कर रहे हो, आराम से करते रहो, आपको रेगुलर पेमेंट जो है, आपको सैलरी जो है वो मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। अभी जो है इसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी बिजनेस के केस में क्या है, पॉसिबल है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जो है दूसरे के हाथ में दे सकते हैं, विथ सम फॉर्मेलिटीज़। बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है, उसके बाद अपना बिजनेस जो है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरे के नाम पे। फॉर एग्जांपल आपने देखा भी होगा, पापा आपके जो हैं वो बिज़नेस कर रहे हैं कोई, उसमें बेटे ने ज्वाइन कर लिया, या दादाजी बिज़नेस कर रहे हैं उसमें पोते ने ज्वाइन कर लिया, है ना। और जब दादाजी बोले मैं रिटायर हो रहा हूँ, बाप बेटे संभाल रहे हैं बिज़नेस को, ये सब चलता है बिज़नेस में। ठीक है,
अब बिजनेस जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह उसका प्रॉफिट सब किसी और के नाम कर सकते हैं कि हाँ भाई अब तुम रन कर लो, बिजनेस मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, आप मेरे फैमिली मेम्बर हो ऐसे बोल सकते हो। लेकिन प्रोफेशन के केस में ऐसा नहीं होता, नॉट पॉसिबल। अभी आपका फ्रेंड है, आप तो कॉमर्स कर रहे हो, ठीक है, आप लोग ये पढ़ रहे हो इसका मतलब कॉमर्स ही कर रहे होगे। आपके कोई फ्रेंड है, उसने मेडिकल लिया, वो डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने गया तो उसने बोला ऐसा कर मेरा क्लिनिक तू संभाल लिया कर, मेरे पेशेंट्स तू देख लिया कर, मैं जो है आराम से बैठा हुआ हूँ, कोई बात नहीं तू देखता रहे, आधा आधा प्रॉफिट कर लेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो आप जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरे पर नहीं डाल सकते। एम्प्लॉयमेंट के केस में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल होता है, आपके पापा जॉब कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिस गए, लेकिन क्या हुआ एकदम से उनको फीवर आ गया तो उनको एक हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ेगी। लेकिन ये थोड़ा ना उसके बदले मम्मी को भी अगर काम आता है तो मम्मी बोले कि कोई बात नहीं टाइपिंग का तो काम है, मैं चली जाती हूँ, मेरे को भी तो टाइपिंग आती है। ऐसे नहीं होता, जिसकी जॉब होती है वही करता है, कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव पर। बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है मेन, क्यों हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। प्रोफेशन बेसिकली होता किसके लिए है, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं ताकि पेशेंट्स ठीक हो जाए। उनका मेन मोटिव जो होता है ना, मेन ऑब्जेक्टिव, वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। अगर सिर्फ पैसा कमाना होता डॉक्टर्स का मेन ऑब्जेक्टिव तो पता नहीं कितनी कितनी हजार रुपये वो फीस रख देते जो शायद नॉर्मल ह्यूमन जो है अफोर्ड ही नहीं कर पाता। तो इनका जो प्राइमरी मोटिव होता है वो होता है प्रोवाइडिंग सर्विसेज। पैसा कमाना तो है ही बट प्राइमरी मोटिव ये है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, हमारा सैलरी मिलती है हमको सबको, हमारा यही मोटिव है काम करो और सैलरी लो अपनी। आगे बढ़ते हैं हम कोड ऑफ कंडक्ट। नो प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, आपके अपना खुद का बिजनेस है, जैसे मर्जी रन करो, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी सेल करो, जैसे मर्जी परचेज करो, चाहे उधार में बेचो चाहे सारा माल फ्री में बेचो, आपकी मर्जी है, कुछ ऐसे रूल्स नहीं है, ठीक है, आपके बिजनेस में। लेकिन जब प्रोफेशन की बात करते हैं तो इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन जो होते हैं उनके जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। अभी बारी आई एम्प्लॉयमेंट की। सो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आर एप्लीकेबल ऑन एम्प्लॉयज। अगर सपोज आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपने एक सर्विस एग्रीमेंट स्टार्टिंग में साइन किया, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे थे। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे कि लिखा लिखा है कि आप लोग स्मोकिंग नहीं करेंगे ऑफिस में या फिर फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे, तो वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मानने पड़ेंगे अगर आपको जॉब करना है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व, किस टाइप का वर्क किया जाता है बिजनेस में। कुछ प्रोडक्शन होती है, सेल्स का बिजनेस हो सकता है, परचेज का या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब यहाँ से खरीद लो वहाँ से बेच दो, यहाँ से खरीद लो वहाँ से बेच दो, कुछ ऐसे करके हो सकता है ना। और प्रोफेशन जो होता है उसमें किस टाइप का वर्क होता है, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज नेचर। कुछ स्पेशलाइज नेचर यानी स्पेशल टाइप की कोई सर्विसेज जो है वो जो है दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर है, वो हर कोई तो जो है उसकी तरह ट्रीट नहीं कर सकता ना, आपको बुखार हो गया या कोई बड़ी बीमारी हो गई या आपको कोई सर्जरी करानी है तो हर कोई थोड़ा ना कर सकता है। वो एक जो बीमारी हो गई उसको ठीक करने का एक स्पेशलाइज्ड नेचर हो गया ना, एक स्पेशलिटी हो गई डॉक्टर के पास कि सर्जरी सिर्फ उसी को करनी आती है इसकी, ठीक है, और जाके लॉयर थोड़ा ना सर्जरी कर सकता है। तो पर्सनलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इसमें। अभी एम्प्लॉयमेंट की बारी है, इसमें किस टाइप का वर्क होता है, परफॉर्मिंग द वर्क एज असाइंड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो काम देगा वो आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका टाइपिंग का काम है, आपका टाइपराइटर खराब, आपके एम्प्लॉयर आया, हाँ भाई इसको ठीक करो, आपको बोला कि ऐसे ऐसे है, आपको एक बार सिखा दिया, बोले जब भी प्रॉब्लम आएगी ना तो तुम्हें ही ठीक करना है, एम्प्लॉयर ने ऐसे बोले तो आपको करना पड़ेगा। टाइपिंग का काम है चाहे आपका, लेकिन टाइपराइटर में आपके कोई प्रॉब्लम आती है और जाके बॉस ने आपको आकर ऐसे बोल दिया कि आपको इसे ठीक करो, तो करना पड़ेगा। अगर उसकी बार बार आप बात अनसुनी करोगे तो निकाल देगा आपको जॉब से। तो जो एम्प्लॉयर ने आपको जॉब दिया है वो करना ही पड़ेगा जो काम देता है। अभी रिवॉर्ड क्या मिलता है, बिजनेस में आप काम करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलता है ना। अगर एज अ प्रोफेशनल आप काम करते हैं तो आपको फीस मिलती है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते होते हैं, डॉक्टर साहब साहब आपकी फीस कितनी है, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो ऐसे डॉक्टर्स को फीस मिलती है, ठीक है, लॉयर्स वगैरह इन सबको इनकी फीस होती है। लेकिन हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, जब आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी या फिर वेजेस मिलती है। सो ये थे आपके डिफरेंसेस बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।